जय हिंद। आपका सिंह मैथमेटिक्स में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था और आज हम आप ही लोग के कमेंट्स के अनुसार इरेशनल नंबर को पढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानेंगे इरेशनल नंबर होता क्या है। इरेशनल नंबर द नंबर विच इज नॉट ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू एंड इट इज Not terminating and not repeating decimal, not repeating decimal. Is called irrational number. So, irrational number क्या होता है? The number which is not of the form p by q. p by q के form में ये नहीं होगा। p by q के फॉर्म में इसको नहीं लिखा जा सकेगा एंड इट इज नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल भी नहीं होगा और ना ही रिपीटिंग डेसिमल होगा, तो उसी को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। इसका एग्जांपल रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, 86। तो इसमें क्या होता है, आप देखिए रूट थ्री का वैल्यू होता है 1.732 और सो ऑन। ये कभी रिपीट नहीं करेगा और ना ही ये टर्मिनेट होगा, तो इसीलिए ये क्या कहलाया, इरेशनल नंबर। आप लोग देखे होंगे कि पाई, पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है जिसका वैल्यू अप्रोक्स 3.1459 होता है। इस ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा, रिपीट नहीं करेगा। आप लोग को जान करके हैरानी होगा कि पाई का वैल्यू सब कोई लेते आए हैं 22/7, वो एक्चुअल वैल्यू, पाई का एक्चुअल वैल्यू 22/7 नहीं होता है, 3.1459 और सो ऑन होता है। तो पाई एक इरेशनल नंबर है और देखोगे कि ये कभी आगे रिपीट नहीं करेगा, कभी रिपीट नहीं करेगा। इसी के वजह से सुपर कंप्यूटर और पाई के बीच में एक चैलेंज लगा। आप लोग, हाँ आप लोग जान के हैरान हो जाओगे कि सुपर कंप्यूटर भी पाई का वैल्यू को, एग्जैक्ट वैल्यू को निकालने में असमर्थ रहा। सुपर कंप्यूटर 5 ट्रिलियन डिजिट तक कोशिश किया कि पाई में हम कहीं रिपीटेशन पा ले, लेकिन वो असंभव रहा। तो इसीलिए पाई एक इरेशनल नंबर है और ये 22/7 एक एप्रोक्सीमेशन वैल्यू है पाई का, जिसको आप सॉल्यूशन करते समय आप पाई का वैल्यू 22/7 लेके बनाओगे और पाई का वैल्यू 3.14 लेके बनाओगे तो दोनों का आंसर डिफर कर जाएगा। तो ये पाई के बारे में कुछ तथ्य था जो मैंने बता दिया। पाई अनंत है, पाई का कोई अंत नहीं है। तो आगे हमने इसके बारे में